करीब 3 घंटे की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के मुकद्दर का ऐलान करने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बाहर निकले तो उनकी मुस्कान बता रही थी कि बात बन गई, लेकिन कितनी बनी है इसका इंतजार था। मैंने वैसे कह दिया था कि पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात है और 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह होगा। मतलब अब एसपी बीएसपी गठबंधन एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन में तब्दील हो चुका है। तो क्या कांग्रेस बाहर रहेगी? इसका जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि पार्टी में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने महीने भर पहले ही प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैकफुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य रात रात भर लखनऊ दफ्तर में काम करते हुए नजर आए, रोड शो भी हो गया, मिलना जुलना हुआ, महान दल नाम की एक पार्टी का विलय भी करा लिया, लेकिन सवाल उठा कि इससे बना क्या? क्या प्रियंका गांधी का नाम बीएसपी और समाजवादी पार्टी का दिल पिघला सका? सुनिए अखिलेश यादव से। आप क्या बता रहे हो, कौन सी बात कह रहे हो? मैंने कितनी बार कहा आपसे कि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। 2 सीट मतलब 1 सीट रायबरेली की जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं और दूसरी अमेठी जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। जरा 2014 के आम चुनाव का हिसाब देख लीजिए। समाजवादी पार्टी को 22.3% वोट मिले थे, बीएसपी को 19.7%, कांग्रेस को 7.5% और आरएलडी को 0.8%। अब कांग्रेस का हाल देखिए कि एसपी बीएसपी ने 1% वोट से भी कम वाले को 3 सीट के लायक माना और 7.5% वोट वाली कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट के लायक। मतलब प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जुलूस निकाल कर भी कांग्रेस अखिलेश मायावती की नजर में अनुकंपा की 2 सीटों से ज्यादा की हैसियत नहीं हासिल कर पाई है।